शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में दो बड़े विस्फोट होंगे। बयान के ठीक 16वें दिन यानी 2 मई को 12:45 पर शरद पवार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। पवार ने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई है। 4 दिन पहले गुरुवार को शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी है, न पलटे तो कड़वी हो जाती है। इस बयान पर अजीत पवार ने कहा कि नए चेहरों को आगे लाना एनसीपी की परंपरा रही है। एनसीपी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सहयोगी है। पवार ने 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई थी, उसके बाद से ही वे पार्टी अध्यक्ष थे। पवार के ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ता रोने लगे और उनसे फैसला वापस लेने की मांग करने लगे। अजीत पवार ने कहा, शरद पवार की उम्र को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, वो सभी कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि वो पार्टी में नहीं है। आप भावुक ना हो, जो भी नया अध्यक्ष होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। शरद पवार के इस्तीफे में लिखा, मेरे साथियों, मैं एनसीपी के प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहा हूँ लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूँ। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है। मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूँगा। मैं पुणे, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत में किसी भी हिस्से में हूँ, आप लोगों के लिए हमेशा की तरह उपलब्ध रहूँगा। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैं हर वक्त काम करता रहूँगा। लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसों में है। जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं रहा है। मैं आपके साथ था और आपके साथ आखिरी सांस तक रहूँगा। तो हम लोग मिलते रहेंगे। शुक्रिया।